नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों ने अभी अपनी लिस्ट फाइनल नहीं की है उम्मीदवारों की। नामांकन भरना शुरू नहीं हुआ है और पहले फेज का चुनाव बहुत दूर है, लेकिन अभी से भाजपा की चुनाव की कश्ती जैसे टूटती नजर आ रही हो। और लोग कह रहे हैं कि साहब भाजपा एक टाइटैनिक हो गया है, जहां से मंत्री विधायक कूद कूद कर भाग रहे हैं और ज्यादातर सपा की साइकिल पर बैठ रहे हैं। कल हमने जब आपसे बात की थी तो स्वामी प्रसाद मौर्य, जी हां, एक बहुत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर योगी सरकार के, और दारा सिंह चौहान, एक और बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, नामी गिरामी कैबिनेट मिनिस्टर, इन दोनों ने इस्तीफे दे दिए थे। 5-6 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। और आज जब मैं आपसे रूबरू हूं, 13-14 विधायकों के इस्तीफे हो चुके हैं और ये झड़ी, ये इस्तीफों की झड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही। और कहने वाले कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ने जो एक एक रैली करी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बनारस में हो, चाहे वो प्रयागराज में हो, जो रैलियां करी मोदी जी ने, उस एक रैली का वो इम्पैक्ट नहीं है जो इस एक एक इस्तीफे का इम्पैक्ट है। और एक हड़बड़ाई, घबराई भाजपा के बड़े नेता अमित शाह, जिनको चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य ने नड्डा जी से बात करी, जिनको शायद वो कोविड पॉजिटिव हैं, आइसोलेशन में, लेकिन फोन पर बात करी और कहा कि इस भगदड़ को रोकिए। नड्डा जी, मोदी जी का बार बार फोन आ रहा है अमित शाह के पास, रात में 3 बजे तक, कल रात 3 बजे तक मीटिंग हुई है कि इस भगदड़ को रोकिए। ये अभूतपूर्व भगदड़ पार्टी में पहले कभी नहीं देखी गई। वो बीजेपी जिसने 2014 का चुनाव उत्तर प्रदेश में स्वीप किया, 2017 का चुनाव स्वीप किया, 2019 का चुनाव स्वीप किया, उस हैट्रिक के बाद, उस प्रचंड बहुमत की हैट्रिक के बाद, बीजेपी ने सोचा नहीं था कि उनके घर में ऐसी आग लगेगी कि ओबीसी के बड़े बड़े नेता विधायक, जिनको रोका जा रहा है, वो भाग रहे हैं। और बाद में अमित शाह ने फिर वो ट्रंप कार्ड चला, स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस्तीफा देकर बाहर निकले थे सरकार के, गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। और जब ये गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ तो धर्म सिंह सैनी, एक और बड़े मंत्री, एक और ओबीसी के चेहरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनको फोन गया पार्टी के एक सीनियर नेता का, भाजपा के, और कहा कि देखा आपने, गिरफ्तारी का वारंट स्वामी प्रसाद मौर्य पे जारी हो गया। तरह तरह से इशारे किए गए, धर्म सिंह सैनी को दबाव डाला गया और उस दबाव में धर्म सिंह को कैमरे के आगे खड़ा किया गया और कहा गया ये बोलिए, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। लेकिन साहब, एक के बाद एक जब बीजेपी के विधायक इस्तीफा देने लगे, इस्तीफा सौंप सौंप के अखिलेश यादव से मिलने लगे, मीडिया और उनके कैमरे, उनके माइक उनको फॉलो करने लगे, और सिचुएशन, जो स्थिति थी, वो अमित शाह के हाथों से बाहर निकलती हुई दिखाई दी, और जब बीजेपी बैकफुट पे आई तो धर्म सिंह सैनी की हिम्मत पड़ी और उन्होंने 24 घंटे के बाद एक बड़ा फैसला लिया कि कैमरे पे जो कहा सो कहा, दबाव में आज मैं अपनी करूंगा, और आज उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। 3 मंत्री, जी हां, 3 बड़े मंत्री योगी के इस्तीफा दे चुके हैं। और मेरी जो लखनऊ में बात हो रही थी, जो सूत्र बता रहे हैं भाजपा के भीतर से कम 3 मंत्री और हैं, 3 मंत्री और हैं जो आने वाले दिनों में इस्तीफा लिखकर अपने कुर्ते में रख चुके हैं। कभी भी वो इस्तीफा कुर्ते से निकल सकता है, क्योंकि भाजपा के विधायकों को, मंत्रियों को एक चीज समझ में आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, भाजपा के मुख्यमंत्री चंद दिनों के अब मेहमान हैं। अब उधर दिल्ली में अमित शाह और मोदी की मैराथन बैठक हो रही है।
पूरा जो थिंक टैंक है बीजेपी का सोच रहा है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, कि अगर अपने ही तंबू कनात उखड़ने लगे, अपने ही घर में अगर खलबली मच गई है, तो हम जनता को मैसेज क्या देंगे, इस परसेप्शन की लड़ाई को हम कैसे लड़ेंगे, जहां आचार संहिता आने के बाद कोविड की इस तीसरी लहर को देखते हुए जहां रैली नहीं कर सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, ये परसेप्शन की लड़ाई इस भगदड़ में कैसे लड़ी जाएगी। और एक फैसला मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आज सुबह लिया गया है, और फैसला ये है कि योगी के जितने भी मंत्री हैं खासम खास, जैसे आप कह सकते हैं सुरेश राणा हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं, या भाजपा के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, जो योगी के बहुत खास हैं, किचन कैबिनेट के लोग हैं, इन सबको फिलहाल थोड़ा सा दूर कर दिया गया है। और योगी के जो खास ऑफिसर हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने सरकार पर शिकंजा जमा रखा था, उनमें से भी जितने अधिकारी हैं उनको किनारे कर दिया गया है। और सारी कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। अमित शाह के जो सिपा सलार हैं सुनील बंसल, उनको सारा का सारा जिम्मेदारी दी गई है कि आप फैसले लीजिए। इसकी वजह यह है कि अमित शाह और मोदी ने अब ये स्वीकार कर लिया है, ये इकबाल कर लिया है, ये मान लिया है कि जिस योगी आदित्यनाथ को 2017 में वो ट्रंप के इक्के की तरह लाए थे, कि ये भगवा कार्ड है, और ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो सपा बसपा की सोशल इंजीनियरिंग है, उसकी जो केमिस्ट्री है, उसके जो रसायन है, उसको ये भगवादारी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ डाइल्यूट कर देगा। जिसको एक प्रचंड शक्ति का प्रतीक माना जा रहा था योगी आदित्यनाथ को, वही सबसे बड़ी कमजोर कड़ी भाजपा की अब साबित हो रहे हैं। उसकी वजह है वो योगी आदित्यनाथ का व्यवहार है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुलकर कहा है कि जिस मिजाज से वो बात करते थे मुख्यमंत्री, उनका जो आचरण था, उनका जो व्यवहार था, कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस की तरह छुपा। यही चीज दारा सिंह चौहान ने कही है, यही चीज बाकी विधायकों ने कही है कि साहब समय मांगते थे अपने निर्वाचन क्षेत्र, अपने जिले के काम को लेकर, अपनी फाइलों को लेकर, जिले की अपनी समस्याओं को लेकर हम बार बार फोन करते थे योगी आदित्यनाथ को, और उनके दफ्तर से कोई जवाब नहीं आता था। मंत्रियों का कहना है कि कैबिनेट मीटिंग में हम बहुत से प्रस्ताव पर बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मोदी मॉडल पर ही सरकार चला रहे थे, जहां वो किसी की नहीं सुनते थे। और घमंड का हाल ये था कि एक बार तो उनका टकराव मोदी से भी हो गया, एके शर्मा को लेकर, योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह के आदमियों को किनारे कर दिया, जैसे सुनील बंसल हैं, कई कैबिनेट मिनिस्टर श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, ब्रजेश पाठक, जो अमित शाह के लोग माने जाते थे, इनको भी किनारे किया। और इस सारे असमंजस के बीच भाजपा भीतर ही भीतर कमजोर होती चली गई। और उसका आलम यह है कि आज कोई भी विधायक जो बाजी पलट सकता है, जो ओबीसी का चेहरा है, जिसकी बुनियाद पर भाजपा ने जीत का परचम फहराया था, वो विधायक, वो मंत्री दामन छुड़ाकर योगी से भाग रहे हैं। अब एक और झूठ चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, कहा जा रहा है कि साहब ये वो विधायक हैं, ये वो मंत्री हैं जिनके तो साहब हमने टिकट पहले से ही काट दिए थे। लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिनके टिकट कटने थे अब नहीं काटे जाएंगे। इस भगदड़ को रोकने का जो पहला उपाय ये है कि जिन विधायकों के टिकट भाजपा काट रही थी, अब वो नहीं काटेगी। यानी हारे हुए लोगों को, जो हार सकते हैं, उनको फिर से मैदान पर उतारा जा रहा है। ये झटका है भाजपा के लिए। लेकिन भाजपा के जो प्रवक्ता हैं टीवी पर बार बार बोल रहे हैं कि साहब ये वो विधायक हैं, चाहे वो प्रजापति हों, चाहे वो सागर हों, ये वो विधायक हैं जिनको तो हम पहले से किनारे कर चुके थे, जिनको तो हम टिकट नहीं दे रहे थे। लेकिन ये झूठ है। सुनिए इन विधायक साहब को, जो चंद घंटे पहले इस्तीफा देकर सपा की साइकिल पर बैठे। 240 विधायकों को जो टिकट ना देने का, तो क्या उसमें भी आपका भी नाम था क्या? ना 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 ना, हमें तो बुला के टिकट दे रहे हैं, हमें तो बुला के टिकट दे रहे हैं। अब साहब अभी तक 3 मंत्री हो चुके हैं, 13-14 विधायक हो चुके हैं, और मुझे बताया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य को हमने फोन किया था तो उनके एक नज़दीकी ने बताया कि साहब बहुत लंबी लिस्ट है,
स्वामी प्रसाद बौरिया के संपर्क में ही सिर्फ कम से कम डेढ़ दर्जन विधायक। एक और ब्राह्मण नेता गोरखपुर के, उनसे मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा कम से कम 11 ऐसे ब्राह्मण विधायक हैं, 11 भाजपा के नेता हैं जो चाहते हैं भाजपा को छोड़ना, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा उनकी उपेक्षा की गई है, उनको लगता है कि कंस्टिट्यूएंसी को फेस नहीं कर पाएंगे। महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, कोविड के मिसमैनेजमेंट के मुद्दे हैं, बहुत से ऐसे मसले हैं जिनको लेकर विधायक जो भाजपा के हैं वो भाजपा के टिकट पर अपनी कंस्टिट्यूएंसी का सामना करने से कतरा रहे हैं। कई ऐसे विधायक हैं जिनके कुर्ते फाड़ दिए गए, कई ऐसे विधायक हैं जिनको घुसने नहीं दिया गया, कई ऐसे विधायक हैं जिनकी पिटाई हुई। इसकी वजह से तकरीबन जो मेरी बातचीत हो रही थी लखनऊ में, 25-26 विधायक अभी और हैं जिनको फेंस सिटर्स कहा जा रहा है, और मैंने कहा था 3 और मंत्री, तो अगर आधा दर्जन मंत्री और 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक अगर उन्होंने भाजपा का पाला छोड़ दिया, तो मुझे लगता है कि चाणक्य के लिए, चाणक्य अमित शाह के लिए इससे बड़ी शिकस्त, और वो भी चुनावों से पहले, कोई और नहीं हो सकती। तो बहरहाल कश्मकश जारी है, और जैसे कि मैंने कहा कि लखनऊ की सियासी पिच इतना ज़बरदस्त टर्न ले रही है कि कोई बल्लेबाज रुक नहीं पा रहा, और अमित शाह और मोदी इनको तो थर्ड अंपायर के साथ भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये जो बॉलर है ना, ये जो खतरनाक बॉलर जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इसकी गेंद को रोका कैसे जाए, जो हर गेंद में कहीं ना कहीं भाजपा की गिल्ली उड़ा रहा है। ज़रा गौर से देखिए इस तस्वीर को, आपको लग रहा होगा कि किसी टेस्ट प्लेयर की तस्वीर है, जी नहीं, ये अखिलेश यादव की तस्वीर है एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच की, और अखिलेश यादव की इन गेंदों का जो बहुत टर्न कर रही हैं आने वाले समय में, खासकर ये 7-8 दिन बहुत क्रूशल हैं। अगर गणतंत्र दिवस से पहले भाजपा का ये पलायन, ये भगदड़, ये खदेड़ा जारी रहा, तो वाकई भाजपा के लिए आने वाले चुनाव बहुत ही मुश्किल भरे होंगे, मुसीबत भरे होंगे। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मेरी एक अलग से एक सुपर सीरीज़ इलेक्शन पर आ रही है, इलेक्शन सुपर सीरीज़, और उसमें मैंने बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करी है, वो आप ज़रूर देखिएगा, आपका लिंक मिल जाएगा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे। और हाँ, एक गुजारिश और कि प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और वो जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबाइए, क्योंकि सो दैट आपको ये जो खबरें हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज बस इतना ही, नमस्कार।